भागो भागो भागो। ये बाहर ऐसा क्या चल रहा है? वो 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 व्हाट? अब मेरा घर। हाँ 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 हाँ। व्हाट? डेजी। मराया। मुझे ये करना पड़ा। चेरी। ऊपसीज। ये तुमने मेरे घर को क्या कर दिया? व्हाट? मैं तो बस सो रहा था। ओ, ये तो इतना रोने की जरूरत नहीं है। हम तो बस एक छोटा सा प्रैंक कर रहे थे। एक छोटा सा प्रैंक? तुमने मेरा बेसमेंट उड़ा दिया। ये ठीक है, डेफिनेटली। मैं तुम लोग को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरा घर उड़ाया, अब मैं देखना बताऊंगा। ओ, ये बाउल आ रहा है, गुस्सा हो गया। भागो 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 भागो। ओए, मेरे को भी नहीं चलो। उन लोगों ने मेरे से सब कुछ छीन लिया। मेरा डायमंड, मेरा गोल्ड, मेरा आयरन, मेरा फूड, मेरा बकेट। उन्होंने मेरे से मेरा खाना और मेरा सब कुछ छीन लिया। लेकिन अब इसी के वजह से मैं लूंगा उनसे रिवेंज, मेरा सबसे बड़ा रिवेंज। तो अब हम लोग ये तीनों के तीनों लड़कियों से बदला लेने वाले हैं ये सर्वर के अंदर। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं सैंड्रा से। लेकिन इन तीनों को ये नहीं पता, स्पेशली चेरी को ये नहीं पता कि मेरे पास ये सर्वर का एक्सेस है। और वो एक्सेस से मैं ये सर्वर के अंदर कुछ भी कर सकता हूँ, कमांड एक्सेस कर सकता हूँ, जिनमें से एक कमांड है मॉर्फ मोड। और अब ये मैं सैंड्रा के घर में कुछ प्लान कर सकता हूँ, तो चलो वहीं चलते हैं। ऑलराइट, सो देखते हैं सैंड्रा अपनी बीस में ऐसा कर क्या रही है। ऑलराइट, चलो वहाँ जाके देखते हैं। ओ, लेकिन उससे पहले मैं क्यों ना अपने आप को स्पेक्टेटर मोड दे दूं। ओ हेलो फ्रैंटिगो, ओ हेलो लुई, ओ हेलो जूली। ओ, तो ये तो उसका खुद का माफिया ग्रुप लग रहा है, लेकिन हम ये सहन नहीं कर सकते। इसके लिए क्यों ना मैं पहले नीचे आ जाऊं। ओ नो, मैं तुम्हारी सीट्स भूल गई। एक मिनट दो, मेरे को रास्ता दो, मैं बिखर जाती हूं और तुम्हारे लिए अभी कभी सीट्स लेकर आती हूं। तो जब तक वो सीट लेने गई है, ये एकदम बेस्ट टाइम है यहां पर घुलने मिलने का। ओ हेलो गाइस, टेंशन मत लो, क्योंकि मैं अभी तुम्हारे तरह ही का बनने वाला हूं। एक मिनट, बस एक मिनट दो मेरे को। ये देखो, मैं बन गया तुम्हारे जैसा ही। यहां थोड़ा सा छोटा हूं, लेकिन ठीक है। मैं सीट्स लेकर आ गई। किसी को भूख लग रही है? वो आ गई। ऑलराइट, सैंड्रा वो रही, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं ये मॉर्फ कमांड से मैं अपने साइज को कभी भी बड़ा कर सकता हूँ। ये ले तेरा खाना। ओ, ये ले तेरा खाना, और तू भी ले तेरा खाना। ओ, 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 आ, हेलो बड़ी, आप तू इतना बड़ा कैसे हुआ? तू कौन से फैमिली की तरफ से है? वैसे शायद से तूने कुछ ज्यादा ही खा लिया है, क्योंकि तेरा पेट फूल गया लग रहा है। लेकिन एक मिनट दे मेरे को, मैं तेरे लिए तेरे हिसाब का कुछ अभी खाना लेकर आती हूँ, ठीक है? ओके ओके, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। अभी थोड़ी देर रुकते हैं और अब हम बड़ा हो जाएंगे और बन जाएंगे लेवल 2। ऑलराइट बिग गाय, ये ले, मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ ये बीट रूट का सूप। अब ये ले। ओ, वैसे क्या तू थोड़ा और बड़ा हो गया? ठीक है, लेकिन फिर भी शायद ये माफिया गैंग में लोग बड़े होते रहते हैं। मेरे को माइंड मत करना, मैं वैसे ऐसे चल रही हूँ। ओके, ये मानने लगे, ये मानने लगे हमको। लेकिन चलो अब जाते हैं लेवल 3 पे, लेट्स गो। ओ हेलो अंकल फ्रैंको, कैसे है तुम्हारे बच्चे बच्चे? ओ ओके, हेलो बड़ी, तू कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। अब बलून की तरह फूट रहा है तू? क्या तेरे को डॉक्टर की जरूरत है? वैसे तेरे लिए मैं क्या डॉक्टर बुलाऊं क्या? यहाँ पर ये सारे नॉर्मल साइज के। एक मिनट, मैं है पास अभी के अभी आती हूँ, ठीक है? ओके ओके, अब ये टाइम है ये नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का। ओके चिकन, तुमसे मिलके बहुत ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन अभी मेरे को ये करना पड़ेगा। गुड बाय। ऑलराइट, तो अभी दूसरे तरफ आ जाते हैं एंड अब देखते हैं सैंड्रा का रिएक्शन जब उसके पूरे का पूरे माफिया गैंग मर जाए, वो भी उसके डैड के थ्रू। आई डोंट नो कि मैं ये सब चीज कैसे हैंडल करूं, वो इतना बड़ा कैसे हो गया, बट फिर भी मेरे को उन सबसे मिलने जाना पड़ेगा। ओके हेलो एवरीबॉडी, मैं वापस आ गई। ऑलराइट, मेरे को बस अभी थोड़ी अपनी आवाज बदलनी पड़ेगी। सैंड्रा। ओ हाय हाय डैड, हाय, कैसे हो? वेलकम टू द चिकन्स। किधर गए? अब मुझे नहीं पता, लेकिन कसम से वो यहाँ पर ही थे। मैं उनका देखभाल कर रही थी अभी के अभी यहाँ पर ही। मरीना दादी किधर गई? वो यहाँ पर ही थे, लेकिन कसम से डैड वो यहाँ पर ही थे सारे के सारे। मैं उन लोग के लिए एक बंदे के लिए सूप भी बनाने गई थी, लेकिन अब तो फिर वो किधर जा सकते? सैंड्रा यहाँ पर ही तो थे। मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी डैड। मेरी पूरी की पूरी गैंग चली गई। तू कैसी ये लड़की है सैंड्रा? हाँ, अब मेरे को सब कुछ वापस से शुरू करना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सबके सब यहाँ से चले गए, सारे के सारे यहाँ पर ही तू थे। बोलो अभी यहाँ पर थे, उनमें से एक बड़ा आदमी भी था जिसके लिए मैं एक सूप लेकर आई थी। आई डोंट नो वो कौन सा था, उसका नाम भी मेरे को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर चल क्या रहा है अभी क्या अभी? ये क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, मेरे को नहीं पता था कि सैंड्रा को ये इतना ज्यादा सरप्राइज करेगा, लेकिन ये अमेजिंग है।
काफी ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन अगर तुमको लग रहा है कि ये सैंड्रा का इतने में हो जाएगा तो अभी तो चेरी एंड डेजी का वेट करो। ऑल राइट, ये रहा चेरी का घर, एंड मेरे को पता है कि डेजी एंड चेरी मेरे नेक्स्ट प्रैंक के लिए प्लान कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं उनसे एक कदम आगे हूँ। मुझे सही में बिलीव नहीं हो रहा कि हमने वो प्रैंक करा। हाँ, लेकिन कितना ज्यादा मजा आया ना डेजी, सबसे बेस्ट था वो। लेकिन आगे आगे देखो होता है क्या, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारे प्लान है। अभी हम उसका वापस से बेसमेंट उड़ा देंगे, एंड मेरे को ये भी जगह पता है कि वो कहाँ पर घूमता फिरता है, तो हम वो भी उड़ा देंगे और उसके सारे के सारे सामान खुद ले लेंगे। कितना ज्यादा मजा आएगा। और मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ पर उसने कुछ ट्रेजर दबा के रखा है, तो हम लोग वो वहाँ पर ढूंढ निकालेंगे। ओ, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना भूल रही कि उसके लिए हमें थोड़े सामान चाहिए होंगे। मैं बस अभी के अभी आती हूँ। ओ हाँ, ओके, जल्दी लेकर आ, नेक्स्ट प्रैंक बहुत एपिक होगा। ये प्रैंक सबसे बढ़िया होगा। ऑलराइट, तो ये टाइम है वो प्लान को एग्जीक्यूट करने का। तो ये है चेरी की सबसे फेवरेट फिश। ओ, मैंने वो तोड़ दिया, पर कोई बात नहीं, हम लोग वो दूसरी फिश से वैसे भी रिप्लेस करने वाले हैं। ओके, तो अब यहाँ पर जैसे कि तुम देख सकते हो, ये है चेरी की फेवरेट फिश, लेकिन ये ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये होने वाला है फिश मेड ऑफ कुकीज। और डेजी कुकीज के लिए कुछ भी कर सकती है, तो अगर हम ये फिश को कुकीज के आजू बाजू को कुछ नाम दे देंगे तो डेजी इसको एकदम सफा चट कर जाएगी। ऑलराइट, तो अब बस मेरे को डेजी को यहाँ ऊपर बुलाना पड़ेगा, एंड उसके लिए मेरे को पता है क्या करना है। एक बार ये प्रैंक हो जाए फिर मैं तो ना उसके घर के आजू बाजू वाला फॉरेस्ट भी जला दूंगी। अब ये क्या है? हाँ, जा, ओ, जा, क्या पकड़ ये उसको, कुकी है? अब ये किधर जा रहा है? ओ, इसके पैर कहाँ से निकल आए? ओ, ये नो, स्पेक्टेटर मोड, जल्दी चल। वो कुकी किधर गई? अब ये क्या है? फिश मेड आउट ऑफ कुकीज। ओ क्या, हाँ, ले उसको डीजी, ले उसको। ओ, तो शायद कुकी है फिर तो। ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, लेकिन ये कुकीज की तरह स्मेल तो नहीं कर रही, बट फिर भी वो ट्राई करके देख। ओ डेजी, डेजी किधर गई? ओ डेजी, तो हाय चेरी, डेजी मेरी फिश किधर गई? मुझे नहीं पता। क्या तू खा गई? नहीं नहीं, मैं फिर सब चीजें नहीं खाती, मैं तो फिश ही नहीं खाती। डेजी क्या करा तूने उसका? मैं मेरे को नहीं पता वो किधर गया, मैंने उसको टच भी नहीं करा, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है। ओके, ये बढ़िया है, ठीक है। जब तक वो लोग लड़ रहे हैं तब तक मैं अपना सेकेंड प्रैंक का पार्ट शुरू करूँ। तो सबसे पहले मेरे को थोड़े कर्स आइटम चाहिए, जैसे कि ब्लैक वूल, और अब मैं ये पूरा चेंज कर दूंगा, तो जब वो लोग नीचे आएंगे उनको लगेगा कि ये प्लेस हॉन्टेड है। ये इधर और ये इधर। अब बहुत हुआ डेजी, बताएगी या फिर तुम मरेगी? मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। ऑलराइट, अब बस मेरे को स्पेक्टेटर मोड के अंदर जाना है। ओके, हरी हरी हरी। ओके चेरी, क्या तूने कुछ चेंज करा है? नहीं, क्या तूने कुछ करा है? नहीं। ऑलराइट, अब म्यूजिक के साथ इसको थोड़ा और तड़का लगाते हैं। ये कैसी आवाज आ रही है? डेजी, क्या तू मेरे साथ प्रैंक कर रही है? मेरे को बताए, ठीक है, प्रैंक मत कर, अब बात हुआ। मैं कैसे कर सकती, क्योंकि मैं तो तेरे साथ थी इतने टाइम पूरे ऊपर ही। तो फिर ये कर कौन रहा है? मुझे नहीं पता। क्या ये असली हड्डियाँ है? और अब ग्रैंड फिनाली के लिए कमांड का यूज करते हैं। अब मैं किसको समन कर रहा हूँ वो तुमको पता ही होगा, ये बंदा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मेरे को भी। डेजी, ये तेरे पीछे क्या है? नाइस, अब थोड़े बादल भी बरसा देते हैं मूड सेट करने के लिए। मेरे से दूर है। लेकिन हमने तो इसे बैन कर दिया था। बैन कर दिया था तो ये यहाँ पर कैसे आया? और अब दी ग्रैंड फिनाले। दुरत, मैं तेरे ऊपर एडमिन पावर यूज करूंगी, चाहे से अब मेरे को जाना चाहिए। डेजी, ओह यस, ये काम कर गया। ओके, अभी से हटा देते वरना ये कुछ बिगाड़ देगा। ओके, ये गया। लेकिन फाइनली ये प्रैंक सक्सेसफुल हो गया, मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। ओके, लेकिन अभी भी ये बात खत्म हुई नहीं है, शुरू करते हमारा लास्ट एंड दी फाइनल प्रैंक। तो ये सर्वर में एक सीक्रेट है जो कि ज्यादा लोगों को पता नहीं है, जो कि है एक मॉन्स्टर जिसका नाम है गॉडज़िला। तो जब वो ये सर्वर में था तब उसने तहस नहस कर दिया था, लेकिन फिर चेरी ने उसे बंद कर दिया। लेकिन अभी ये बात किसी को भी नहीं पता कि मैं उसे समन कर सकता हूँ, लेकिन ये उसको समन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब तक के लिए हम थोड़े और प्रैंक्स कर सकते हैं, है ना? ओह माय गॉड, आज का दिन सबसे घटिया था मेरे लिए, ये कैसे हुआ? वो कितना ज्यादा
बकवास था। हाँ मेरे को पता है। दीदी चेरी मेरे साथ एक बहुत बढ़िया चीज हुई। पता है हमको हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। मेरे घर में हीरो ब्राइन आया था और वहाँ पर हड्डिया भी थे। लेकिन हाँ अच्छा लेकिन मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। लाइक हमारे बारबेक्यू कर रहे थे, बहुत 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 ही बड़ा चिकन आ गया था एंड वो गायब हो गया। मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया कैसे हुआ। शायद से ये ईतो को प्रैंक करा था उसकी वजह से हुआ है। ओ, उनको बुरा लग रहा है कि उन्होंने मेरे ऊपर प्रैंक करा। ओ माय गॉड ये तो काफी ज्यादा बढ़िया हुआ। ठीक है अब जाके उनसे माफी मंगवाते हैं। हेलो गर्ल्स क्या हालचाल? ईतो तुम लोग उदास लग रहे हो, कुछ हुआ क्या? हमारे साथ एक बहुत वाहिया चीज हुई। मेरे को तो अभी समझ भी नहीं आ रहा। बहुत ज्यादा। ओके मारना मत। था वो। अब तुम्हें पता चला कि प्रैंक होने से कितना ज्यादा बुरा लगता है? आई एम सॉरी। रियली सॉरी ईतो। ठीक है गर्ल्स अब मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन एक बात ध्यान में रखते हैं कि अब ये सर्वर में कोई भी किसी को प्रैंक नहीं करेगा। ठीक है? ओके बिल्कुल। मुझे कुछ नहीं पता। ये मैं हूँ किधर? तुम लोगों को क्या हो रहा है? किसने मेरे को समान करा है? भाग क्यों गए? ओ माय गॉड भागो, ये मैंने समान करा। सॉरी गाइस, तुमको प्रैंक करने के लिए करा था मैंने। सॉरी क्या? तू इतने टाइम से तू हम लोग को प्रैंक कर रहा है? शायद से, लेकिन देख चेरी अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी इम्पोर्टेंट ये गॉडजिला से पीछा छुटवा ले फिर तेरी वाट लगा दूंगी मैं। वैसे तुमको पता है ना वो कर्मा और उसका वो रिवेंज। अब वैसे चेरी मैंने गलती से गॉडजिला को रिसमन कर दिया तो अब क्या करें? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तूने ये करा है। इससे पीछा छुटवाने के लिए मैंने घंटों भर कोडिंग करा था। क्या करें? मेरे को नहीं पता था कि इतना ज्यादा बड़ा निकलेगा, लेकिन ये तो पिक्चर उसी भी ज्यादा बड़ा है। वैसे चेरी अब कुछ क्या कर सकते हैं हम लोग? इससे पहले तूने कैसे नहीं छुटकारा पाया था? अब सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं। मेरे को एक मिनट दो। हाँ मैं 5000 साल तक कैद में था, लेकिन अब जब तुमने मेरे को समन कर दिया है अब मेरे को थोड़े से काम जो मेरे बच गए थे वो करना है। वो याद आ गया तो वो कर लेते हैं। सैंड्रा तू पीवीपी करती है ना तो शायद तू उससे लड़ सकती है। मेरे से लड़ेगी? हाँ पर ये तो मैं कैसे कर सकती हूँ? ये स्टेक कितना ज्यादा बढ़िया है। दीदी ये तू क्या कर रही है? ये तू क्या कर रही है? क्या? मैं क्या कर रही हूँ? मैं कुछ क्या? ये मेरा दोस्त है चेरी, तेरे को पता है ना क्या करना है? हाँ ओके ओके अब ये ले। ये क्या है? क्या वो मिल्क है? क्या तू काऊ को मिल्क दे रही है? चुपचाप बैठ। ओह क्या ये गिफ्ट मिली है? हाँ ये तेरे लिए है। वैसे ये गिफ्ट के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू जो भी तेरा नाम है। वैसे क्या मैं तेरे को जानता हूँ? नहीं जानता तुम्हें को। वैसे ये गिफ्ट के लिए थैंक यू। और क्या तू मेरे को वापस से भेजना चाहती है? हाँ वापस चल जा प्लीज। ओके ठीक है बाय बाय। ये मैं चला शक्तिमान। वो सही में चला गया? ओके मेरे को चेक करने दो कि वो गया या नहीं। ओह माय गॉड क्या चेरी सूरज में उड़ते हुए गई? क्या मैंने उसमें कुछ मदद करी है? आई डोंट नो, मेरे को नहीं लगता कि तूने उसमें कुछ भी मदद करी है। हाँ वो चला गया। ओह माय गॉड तू वापस आ गई, थैंक गॉड। ओके वैसे ये दिन बहुत लंबा था लेकिन ये दिन फाइनली एंड हो गया है, तो अब इससे हमें एक सीख मिली कि अब से हम प्रैंक नहीं करेंगे, है ना? शायद से ये लोग मेरे वो प्रैंक से ज्यादा ही डर गए और अब ये लोग शायद अब मेरे से भी डरने लगे हैं। वैसे गाइस अब मैं एकदम सही बंदा हो गया हूँ, मैं नहीं करूंगा तुम पे प्रैंक, तो तुम इतना डरो मत। सो मैंने सुना था कि तूने मेरा रूप लिया है। नहीं ऐसा मैंने कुछ भी नहीं करा। देख मैं अपने कीबोर्ड पे सारे बटन प्रेस कर रहा हूँ, देख ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तेरा रूप ले ही नहीं सकता। तो हाँ ये ग्लिच था। वैसे आज मैं अपनी लिस्ट देख लेता हूँ जिसमें आज मेरे को जो जो काम करना है। ओके तो इसके अंदर लिखा हुआ है किल ईतो। ओके तो सबसे पहले ये शुरुआत करते हैं, वो भी मेरे हैंडसम चश्मे के साथ। इधर आ तू, इधर आ, किधर भाग रहा है?